आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जनता दर्शन में आ रहे फरियादियों की समस्याओं का नहीं हो रहा निवारण, डीएम और आला अधिकारी कर रहे लापरवाही। नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप। नगर निगम ने सेवा दिवस पर स्वच्छता कर्मियों को किया सम्मानित, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सफाई कर्मियों को किया संबोधित। आगामी त्योहारों को देखते हुए एसपी श्रावस्ती ने निकाला फ्लैग मार्च, आम जनता को दिला सुरक्षा का भरोसा। रोडवेज बस से हुई युवक की मौत पर वाल्मीकि समाज ने किया प्रदर्शनी, जिलाधिकारी से मुआवजा राशि की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां नगर निगम ने सेवा दिवस के मौके पर सेवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें कोरोना काल में स्वच्छता कर्मियों के योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक के सहयोग से स्वच्छता कर्मियों को 40 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का भी निर्देश जारी हुए। वहीं इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, महापौर संयुक्त भाटिया, विधायक नीरज बोरा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़कर स्वच्छता कर्मियों को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके विचारों को अमल में लाते हुए देश के विकास में तत्पर हैं। अपने सभी सफाई कर्मचारियों की, जिनकी संख्या लगभग 11,000 से अधिक है, सभी का बीमा निःशुल्क कराया है। पहली किस्त उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो पंजाब एंड सिंध बैंक के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा सभी का नेत्र परीक्षण करा के निःशुल्क चश्मा दिया जा रहा है और ढेर सारे ऐसे कार्य जो बहुत लंबित थे उनको पूरा किया गया। नगर निगम के सफाई कर्मचारी हमारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके सुख दुख में हम सब हाजिर हैं। हर तरह से उनको किस प्रकार हम और उनकी मदद कर सकते हैं उनके परिवारों की, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सेवा कुंभ सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर यहाँ पर सेवा कुंभ का आयोजन किया गया है नगर निगम परिवार के द्वारा। इनमें नगर निगम परिवार के 11,000 हमारे कर्मी हैं जिनको जिनका जीवन बीमा 40 लाख का बीमा कराया जाएगा। कुछ लोगों को आज यहां पर सम्मानित मंच के द्वारा किया गया, ये शुभारंभ किया गया है। 11,000 लोगों को ये निरंतर जब तक हो नहीं जाएगा चलता रहेगा, ये उनका जीवन बीमा होगा। और साथ में आज चश्मे बांटे गए हैं जो निशुल्क उनके परिवार हमारे कर्मी और उनके स्वच्छता कर्मी और उनके परिवार के लोगों को फ्री में उनकी जांच होगी और जिसको चश्मे की आवश्यकता होगी उनको चश्मा दिया जा रहा है। और साथ में जिन लोगों ने उस समय कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बिना, जिस समय सब लोग अपने घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, ऐसे समय में सड़कों पर निकलकर काम करना और शवदाह गृह पर जहां पर लोगों को अपने परिवार के लोगों को हाथ लगाते हुए डर लग रहा था, ऐसे लोगों का क्रिमिनेशन कराने का काम नगर निगम परिवार के लोगों ने उस समय किया, उन सबको आज यहां पर सम्मानित करने का काम इस मंच से किया गया है। खबर श्रावस्ती से है जहां आगामी त्योहारों के अवसर पर जनपद के कई हिस्सों में एसपी अरविंद कुमार मौर्य के नेतृत्व में भारी बल पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने बताया कि त्योहार के मौके पर भयमुक्त वातावरण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, साथ ही व्यापारियों और आम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भी भरोसा दिलाया। एसपी ने थाना प्रभारियों को भीड़ भाड़ वाली जगहों का गश्त करने के भी निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में सिपाहियों पर आरोप लगा है कि आपको बता दें कि 2 सिपाहियों पर 30,000 रुपए की वसूली का आरोप लगा है। वहीं कमिश्नर पुलिस जांच में पाए गए दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। खबर मैनपुरी से है जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग न पूरी
करने पर उनकी बेटी के हत्या का आरोप लगाया है। वहीं विवाहिता की हत्या के बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानकारी भी दी है। चार लोग थे। कौन कौन? ईशांत, राजकिशोर, राजा, राजा की पत्नी। अच्छा, ये शादी कब करी थी आपने? 7 साल 8 महीने हो गए। हत्या क्यों की गई है? हत्या इनको पीड़ित रखते थे। किशन गुप्ता जी, आप यहाँ आज मोर्चरी पे आए हैं, क्या मामला है? हमारी बहन जी की कल फांसी लगाकर मार दिया गया, फंदे पे लटका दिया। किसने मार दिया है? ईशांत गुप्ता, राजा गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, शिवानी गुप्ता। कौन है ये? ये राजा गुप्ता जो है ये देवर है, शिवानी गुप्ता देवरानी है, और ईशांत गुप्ता हस्बैंड थे, इसके पति थे प्रियंका आगे, और राजकिशोर ससुर है। अच्छा, इसका प्रियंका का मायका कहाँ पे है? मायका है वो छे के अंदर। एक विवाहिता जिसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, कल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके मायके वालों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने घूसखोर लेखपाल कमलेश सरोज को गिरफ्तार किया। पैमाइश के नाम पर ग्रामीण से 5,000 रुपए की लेखपाल ने मांग की थी, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने एंटी करप्शन टीम से की थी। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार लेखपाल पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 10,000 रुपए से अधिक बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश दिया। वहीं गांव के लोगों ने लाइन मैन पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया, जिस पर बिजली विभाग के अवर अभियंता ने मामले की जांच करा उचित कार्यवाही की जानकारी दी है। 7 कनेक्शन काट चुके हैं। क्या कारण है? वो सब गलत है, हमारे सामने कुछ नहीं है। और अभी कम से कम 20 कनेक्शन और काटेंगे। खबर अलीगढ़ से, जहां रोडवेज बस की टक्कर से वाल्मीकि समाज के युवक की मौत हो गई थी, जिस पर वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चेतन समाज के लोगों के साथ मिलकर रसलगंज चौराहे पर और जिलाधिकारी कार्यालय पर मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। देखिए, कल एक दुर्घटना हुई थी। कल एक हमारे वाल्मीकि समाज का युवा नेता था, बच्चा था नितिन, जो सड़क दुर्घटना में इसकी मृत्यु हुई। उस संबंध में ट्रक जो लापरवाही जो ड्राइवर की ओर से हुई है वो बहुत ही खेदनीय है, और समाज के लोग आज EDM साहब से मिलने आए, उन्होंने बताया था। तो जो सरकारी मुआवजे की बात थी, जो पीड़ित परिवार को जो भी संभव मदद मिल सके, और जो लापरवाही जिस ड्राइवर ने की है उसको पकड़कर जो भी दंडनीय कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, उस संबंध में EDM साहब से बात हुई, जो हमारी बात हो चुकी। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिम संचालक ट्रेनर आदिल को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। खबर हरदोई से है, जहां जनता दर्शन में DM और आला अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप सामने आ रहा है। वहीं जनता दरबार में पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं पर अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं अफसरशाही इतनी हावी के पत्रकार को पीड़ितों से बात करने और उनकी फोटो खींचकर खबर छापने को लेकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने निजता का हनन बताकर कार्यवाही करने की धमकी दी है। खबर मैनपुरी से है, जहां दिवाली के चलते घरों में स्टॉक किए हुए पटाखों में विस्फोट हो गया, जिसमें पटाखे खरीदने आए युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को इलाज के लिए पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पटाखों को कब्जे में कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना बिछवा के धारापुर गाँव में अभी एक हादसा हुआ है। एक पटाखा बनाने के लाइसेंसी है अमर सिंह, और उनके यहाँ कोई ग्राहक आ जाया था पटाखा खरीदने के लिए, बने हुए पटाखा ले जाने के लिए। पटाखा जैसे उसने वहाँ पे लिया है एक बोरे में, और वो बोरा किसी तरह से गिर गया, और गिरने के बाद उसमें विस्फोट हो गया, जिससे जो व्यक्ति ये खरीदार था
उसको काफ़ी इंजरी आई है, उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है, उसका इलाज चल रहा है। बाकी जो लाइसेंसी के बारे में पता लगा, जो अमर सिंह के, इनका एक पटाखा बनाने का लाइसेंस है, उसको चेक किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई इसमें की जा रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।